तो उनमें वाटर ब्लास्टिंग या वेट ब्लास्टिंग, मेटल ब्लास्टिंग भी बोल देते हैं, जो कि लोहे से हम वजन बढ़ाते हैं ट्रैक्टर का, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप उसकी पूरी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं भाई। और 70-30 का रेशो बनाना है, यानी कि 70% पानी और 30% जो है हवा। अब इस बॉल बॉडी को भाइयों जो है 2 बजे की शेप में ले जाएंगे। तो वाटर ब्लास्टिंग करने के लिए, टायरों में पानी भरने के लिए, सबसे पहले दोनों ही टायर ट्रैक्टर के फ्री कर लेने हैं, और आप इस प्रोसीजर को एक एक टायर के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास साधन नहीं है। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जी। तो हमने दोनों टायरों में जैक लगा लिया है, पिछले टायर बिल्कुल अपना जो हवा में है जी। तो अब सबसे पहले इसे यहाँ से खोलना है, यहाँ से खोल के पूरी हवा निकाल देना। ट्रैक्टर के अगले टायरों में बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ईंट या कुछ भी लगा लेना है, यानी कि जाम कर लेना है ट्रैक्टर को। और इस प्रोसीजर को करने के लिए कभी भी बिना जैक लगाए इसकी हवा नहीं निकालनी है जी, जैक लगा के हवा निकालनी है। तो दोनों ही टायरों की हवा बिल्कुल खाली कर लेंगे। तो भाई वो कुछ मेरे भाई जो है बिना जैक लगाए हवा निकाल देते हैं, उससे क्या है कि टायर कन्नी छोड़ जाता है। सबसे पहले आपको जैक लगाना है, ये देखो जी प्रेशर से पानी भरना चालू कर दिया है, और इसको पूरा ऊपर रखना है। और भाइयों कोशिश करें, या तो छोटा पंप जो कार में हवा भरने वाला जो होता है, एमरजेंसी पंप भी बोल देते हैं, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि डग पे दोनों चीज़ मौजूद होनी चाहिए, हमारे पास हवा भी मौजूद है और पानी भी। तो भाइयों मेटल ब्लास्टिंग एक अलग चीज़ है, जो हम लोहा लगाते हैं, वाटर ब्लास्टिंग एक अलग चीज़ है, और हायर HP पावर जो ट्रैक्टर है, जैसे कि ये ट्रैक्टर लगभग 65 HP के अराउंड आता है, तो इसमें वाटर ब्लास्टिंग अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक टायर में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तब तक मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता दूं। भाइयों ये प्रोसीजर ये सिंगल टायर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जैक वगैरह सब कुछ अवेलेबल था, तो दोनों ही टायर इकट्ठे ही साथ में ऊपर उठा लिए। फ्रंट जो टायर है इनमें भाइयों अपना जो सपोर्ट लगा लेनी है कोई भी, और ट्रैक्टर को गियर वगैरह सब कुछ न्यूट्रल कर देना है। तो इस ट्रैक्टर की पानी भर के परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, अर्जुन 605 CRDI इंजन के साथ ये ट्रैक्टर है। तो इस टायर में जो है पानी पूरा भर चुका है, बहुत ही ध्यान रखने लायक बात है, जिससे कि हमें रेशो बनाना है जी भैया, 70-30 का रेशो बनाना है, यानी कि 70% पानी और 30% जो है हवा। अब इस बॉल बॉडी को भैया जो है 2 बजे की शेप में ले जाएंगे। तो यहाँ पर जब बिल्कुल पानी खाली हो जाएगा, इतना यानी कि 30% हिस्सा टायर का खाली हो जाएगा, तब इसके ऊपर जाके हम लोग वॉल बॉडी लगाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात है, ये देखो अब यहाँ पे पानी आ रहा है, तो इसको जो हमने अभी 70-30 का रेशो बना दिया है, अब इसमें जो 30% हवा आएगी और 70% इसके अंदर पानी रहेगा। तो ये आगे वीडियो में और भी कुछ ध्यान रखने लायक बातें बताऊंगा, अब जो हम इसको लगा देंगे यहाँ पे, ठीक हो, अब इसमें हवा भरी जाएगी। तो भाई वो जो नेक्स्ट बात है वो ध्यान रखने लायक है, कभी भी आपको हवा का प्रेशर चेक करना हो या हवा भरनी हो, कुछ भी करना हो, तो जिस टायर में वाटर ब्लास्टिंग हो चुकी है उसका हमेशा टी ऊपर रख के ही करनी है। होगा क्या कि अगर आप ऐसे ही गेज से चेक करोगे हवा को नीचे रख के, तो गेज में पूरा पानी भर जाएगा। तो अभी क्या है कि बिल्कुल टॉप पे लेके जाना है इसको, तब जाके इसकी हवा वगैरह भरनी है और चेक भी तब। तो भाई आप लोग देख सकते हैं जो, यानी कि अब इसमें 70% पानी रह गया, जो वाटर ब्लास्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। एक बार सारे भाइयों को दोबारा से प्रोसीजर समझा दूं भाइयों, सबसे पहले जो है ट्रैक्टर के फ्रंट टायर लॉक कर लेने हैं, गियर ब्रेक सब कुछ जो है हैंड ब्रेक हटा देने हैं, गियर न्यूट्रल कर लेने हैं, उसके बाद लगाना है जी आपको। एक एक टायर के साथ भी अगर एक जैक है तो सिंगल कर सकते हैं, 2 जैक है तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद भाइयों इस टी को हटा लेना है, और हटा के यहाँ पे पानी टॉप पे करके भर देना है, फिर इसको एक साइड में 2 बजे वाली शेप में लेके जाना है। और उसके बाद भाइयों जब वहाँ पे पानी आ जाए तो 2 बजे वाली शेप में करके पानी खाली कर लेना है, फिर इसमें 12 पाउंड जो है हवा भरनी है। अब ये ट्रैक्टर कम्प्लीटली वाटर ब्लास्टिंग इसमें हो चुकी है, 12 पाउंड हमने हवा भर दिया भाइयों। नेक्स्ट वीडियो इसकी परफॉर्मेंस का आएगा। तो भाइयों जो बड़े ट्रैक्टर हैं, हायर HP ट्रैक्टर हैं, तो उनमें वाटर ब्लास्टिंग या वेट ब्लास्टिंग, मेटल ब्लास्टिंग भी बोल देते हैं, जो कि लोहे से हम वजन बढ़ाते हैं ट्रैक्टर का, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप उसकी पूरी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं। आप जो मेरे 4-व्हील ड्राइव वाले ट्रैक्टर हैं भाई हैं जिन्होंने ले रखे हैं,
तो भाई वो समस्या ज़्यादा क्या आती है कि फ्रंट वाले टायर जल्दी घस जाते हैं। उसका एक ही रीज़न ज़्यादातर रहता है भाइयों कि पिछले टायर अगर हल्का सा भी स्लिप करेंगे तो अगले वाले टायर बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं टायर साइज छोटा होने के लिए। तो उसका सिर्फ एक ही हल है, या तो आप मेटल ब्लास्टिंग करें, यानी कि ट्रैक्टर को अच्छे तरीके से वेट लगाएं। अगर सस्ता काम करना है तो ट्रैक्टर के टायरों में पानी भरें और 12 पाउंड तक जो है पानी को भरें। तो जो हैवी हॉलेज वाले ट्रैक्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रॉली पे चलते हैं, उनको पानी नहीं भरना है जी। ये सिर्फ खेतीबाड़ी वाले ट्रैक्टर के लिए जिन्हें पुलिंग पावर की ज़रूरत है। तो भाइयों सबसे पहले जो CRDI 655 ट्रैक्टर है महिंद्रा का, इसका रिव्यू का वीडियो मैंने डाल रखा है जी, और परफॉर्मेंस की वीडियो भी आपके लिए सबसे पहले ही डालने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों आज का वीडियो था मोस्ट डिमांडिंग भाइयों का वीडियो था कि वाटर ब्लास्टिंग सही तरीके से कैसे करें। तो भाइयों छोटे पंप से भी हो जाती है, आप घर पे भी वाटर ब्लास्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए जो चाइनीज़ पंप आते हैं कारों में हवा भरने वाला, स्प्रे पंप पानी डालने के लिए, वो भी, ये तो था एक प्रोफेशनली तरीका। अगर आप घर पे डालना चाहते हैं तो उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।